हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम करने वाले हैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड विद PYQs। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार पेन ले लूँ मैं और स्टार्ट कर देता हूँ। ओके चलो, नाउ अगर आपको CSI UGC नेट अभी आने वाला जो है नवंबर दिसंबर को जो हो गया है अभी, अगर आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, तो आप अन अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारा बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं, बहुत टॉप एजुकेटर्स हैं और आपको बहुत वेराइटीज़ मिलेंगी। तो आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको यहाँ पर जाना है, इस पर क्लिक करना है एंड देन अपने अकॉर्डिंग आपको 6 मंथ्स का चाहिए या फिर 12 मंथ्स का चाहिए, 24 मंथ का चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको 10% ऑफ चाहिए, उसके लिए आप ये वाला कोड अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ कुमकुम 10, ठीक है, कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं एंड देन प्रोसीड टू द पेमेंट। उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा बाई यूजिंग दिस कुमकुम 10। ओके, ये तो हुए तुम्हारे, अगर तुम्हें पेमेंट करनी है तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं उनके बीच कर सकते हो। ओके, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, जस्ट थोड़ा वेट कर लेते हैं बच्चों का जो आने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं हम लोगों से, उसके बाद विल स्टार्ट। ओके, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। तो क्लास में ऑनलाइन कभी ले नहीं रही थी, लाइव आ ही नहीं पा रही थी यूट्यूब पे, तो बच्चों को भी आधों को आइडिया है ही नहीं कि यूट्यूब पे लाइव आना भी था ना, मैम आने वाली भी हैं, सो दिस माइट बी अ रीज़न। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद वी गोना स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ओके, ओके चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस देखने वाले हैं उनके लिए थोड़ा बेकार हो जाएगा। चलो, तो फर्स्ट दिस इज एन क्वेश्चन एंड मैच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज अ मैच ऑफ द फॉलोइंग और मैच द फॉलोइंग, व्हाटएवर यू वांट टू से इज अप टू यू। नाउ आई एम गिविंग, लुक दिस अमीबियासिस, सो फर्स्ट वी नीड टू चेक आर ऑप्शंस। ओके, फर्स्ट वी नीड टू चेक आर ऑप्शंस, और अगर तुम्हें किसी भी डिजीज़ के बारे में पहले से पता है तो तुम उसको मैच करना स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे मुझे ट्राइकोमोनियासिस के बारे में पता चल गया, ठीक है, इसके नाम से मुझे लग रहा है कि जो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है ये इससे नाम मिलता हुआ है, तो मुझे क्या पता चल गया कि 3 का आंसर डी तो होने ही वाला है। तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले 3 का डी देखूँगी किस किस में 3 का डी है, और मैं कुछ देखूंगी नहीं, जहाँ पे मुझे 3 का डी लगेगा मुझे पता चल जाएगा क्वेश्चन तो यही होने वाला है, आंसर यही होने वाला है। ओके, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो इसमें भी 3 का डी नहीं है, तो ये भी हमारा, तो ऑप्शंस को ऐसे चूज करना है एग्जाम में, है ना, वो बता रही हूँ कि कैसे चूज करना है, उसके बाद हम एक एक डिजीज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ अगर मैं सेकेंड वाले ऑप्शन में देखूँ तो यहाँ पे भी डी नहीं है, यहाँ पे बी है, तो ये भी आंसर गलत, ठीक है। इसको देखूँ यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी गलत, लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पे 3 का डी है, तो ये क्या हो सकता है, हमारा सही होगा, ठीक है। अगर तुम्हें एक चीज का, हाय आदर्श, हेलो, गुड इवनिंग, तो अगर तुम्हें एक चीज का आइडिया है तो ठीक है, तो तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
तो ये क्वेश्चन वाला सेशन है और जो भी बच्चे जुड़ेंगे पहले मैं 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को दूंगी और तुम लोग को आंसर लिखना है कमेंट्स में, उसके बाद वील डिस्कस अबाउट इट। ओके, नाउ दिस अमीबियासिस जो है वो किसके थ्रू होती है? अमीबियासिस कौन करेगा? अमीबियासिस करता है हमारा एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस अमीबियासिस, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। ओके, एंड गियाडासिस ये जो है, देखो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने वाला है, ठीक है, हमें पता चल गया कि ये यही करने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में आता ही है, चाहे तुम्हारा ये CSIR नेट वाला क्वेश्चन हो या फिर ICMR GRF वाला हो या फिर DBT वाला हो, ठीक है, इन चीजों में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो कौन करता है? ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई। ओके, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें पता है कि ट्रिपेनोसोमा के अकेला ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई नहीं होता जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कर रहा है, बहुत सारी इसकी स्पीशीज हैं जो बहुत बहुत डिजीजेस कर सकती हैं। तो अब क्या करना है तुम्हें, नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी भी पढ़ाऊँ, ऑनलाइन वगैरह पढ़ाऊँ या फिर तुम खुद से इसके सारे के सारे जितने भी स्पीशीज और हैं उनको पढ़ो और उनके डिजीजेस पढ़ो, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में आती हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी 2 मिनट देती हूँ, तुम ये वाला क्वेश्चन देखो, उसके बाद हम आंसर करेंगे इसका। और ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये लिए हैं मैंने डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, जो हमारे जूलॉजी से जूलॉजी से ज़्यादा मतलब उसमें लाइफ फॉर्म्स वाली जो प्रोटोजोअन्स हो गए, प्रोटिस्ट हो गए, तो मैंने वहाँ से क्वेश्चंस लिए हैं, एनिलीड्स हो गए, ये वहाँ के क्वेश्चन नॉर्मली हम पढ़ते नहीं, हम उनको अवॉइड कर देते हैं और वो आते इस टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चंस को करोगे आई थिंक तुम्हें उसका पूरा आइडिया हो जाएगा और पेपर में तुम्हारी हेल्प मिल जाएगी। ओके, अभी 1 मिनट और है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जिनको भी आंसर पता है वो कमेंट्स में कमेंट कर सकता है कि ये वाला आंसर हो सकता है। नाउ अब चलो करते हैं स्टार्ट। देखो इसमें बोला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लैंड प्लांट्स, तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमें पता चल गया, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कभी भी होगा तो अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो एक तो उसमें वेरिएशंस आएंगी, ठीक है, वेरिएशंस आएंगी और जो चीज़ होगी वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स गैमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब इस गैमीट का मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे स्पर्म या ओवा की बात हो रही है, ठीक है, स्पर्म या ओवा की बात हो रही है, नो, जो उसके गैमीट्स हैं, जो प्लांट्स के गैमीट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए एंड फर्टिलाइजेशन के लिए। सो दिस इज वेरी करेक्ट, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो विदाउट एनी प्रॉपर गैमीट, मतलब अगर प्लांट के गैमीट के बिना काम कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन तो कराना पड़ेगा। जैसे वहां पे क्या मिलते हैं, हमारे स्टिग्मा पे आता है हमारा पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, ओवरी में जाके फ्यूज करेगा, तो बात तो वही है, तो वहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे भी गैमीट फॉर्मेशन हो रही है। ओके, गुड इवनिंग शविता, गुड इवनिंग। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद फिर मैं आंसर बताती हूँ। आई थिंक वी शुड वेट फॉर स्टूडेंट्स ना। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम थोड़ा टाइम लेके करेंगे। ओके, नाउ इट अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन, अच्छा सेकंड रह गया, नाउ अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। ऑब्वियसली बिना सेक्सुअल स्पोर बने तो कोई चीज होगी नहीं, सेक्सुअल स्पोर्स तो बनाने पड़ेंगे तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। तो हमारा पी भी करेक्ट हो गया और क्यू भी करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर हम आर की बात करें, इट अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मियोस्पोर्स, तो अगर तुमने लैंड प्लांट का अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा हो तो उसमें होता है कि मियोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है, अब ये भी करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी ऑप्शन क्या है, प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, क्या ये पॉसिबल है? ऑप्शन नहीं दिख रहे, हाउ इज पॉसिबल, मुझे तो दिख रहे हैं यहां से, ऑप्शंस नहीं दिख रहे। अच्छा मैं बता देती हूँ, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पी एंड क्यू, बी ऑप्शन है क्यू आर एस, सी ऑप्शन है पी क्यू आर एंड डी ऑप्शन है पी क्यू एस। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस ऊपर देखो, फर्स्ट ऑप्शन है पी एंड क्यू, सेकेंड ऑप्शन है क्यू आर एस, थर्ड है पी क्यू आर एंड डी है पी क्यू एस। बी एंड डी नहीं दिख रहे, ओके पर मुझे यहां से, अच्छा ठीक है, अच्छा मैं बताती हूँ, जो बी है वो है क्यू आर एस, डी है तुम्हारा पी क्यू एस। नहीं, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो मुझे ये बताओ, जब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या सेम आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं? आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं, ये पॉसिबल है? आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हो तो वहां तो वेरिएशन आएगा ही आएगा, बिना वेरिएशन के तुम सेम अपने मम्मी पापा जैसे दिख सकते हो? नहीं दिख सकते। हाँ, इसीलिए आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, दैट इज पी क्यू आर, ये ऑप्शन होगा। हाँ श्वेता, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करो। अच्छा ये वाला तो मैंने इसका दे रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लैंड प्लांट्स इंक्लूड वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, बिना वेरिएशन के नहीं कुछ होगा। इट इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन, मियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड नो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड। ओके चलो ये क्वेश्चन करो। हाँ प्रदीप, अभी वो डाउनलोड, वो अपलोड की जाएगी शायद 12 बजे वाली वीडियो, उसके बाद तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, 12 बजे वाली वीडियो पहले अपलोड होगी, डोंट वरी। नाउ इन दिस क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? द फर्स्ट यूकैरियोट्स अपीयर्ड 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो तुम ये एक ही बात याद रखो कि अगर तुम्हें कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, चाहे 3 × 10⁸ दिया गया है, कुछ भी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज दी है, मोस्ट ऑफ द टाइम 80-90% वो जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, ये याद रखो, अगर तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाती हैं, ठीक है, एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाती हैं एंड ऑप्शन में क्या होता है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसका मतलब वो ऑप्शन सही होगा, 80-90% ऐसा होता है। ठीक है, तो तुम्हें वहां दिमाग लगाना ही नहीं कि मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू याद है कि नहीं है, तुम्हें ये सोचना है कि हाँ, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज हम याद नहीं कर पाते, इतनी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज रहती हैं तो हम एक एक इस चीज की याद नहीं कर सकते, तो नॉर्मली जब भी वो देते हैं वो करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ही देते हैं। तो ये याद रखना है कि हाँ 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 ठीक है। Now, second is, so first one will be correct.
सेकेंड इज द प्रोटोजोअन्स दैट कॉज मलेरिया इन ह्यूमंस आर स्पोरोजोअन्स. तो तुम्हें ये क्लासेस आई डोंट थिंक अगर कोई जोलॉजी का बच्चा है दे विल डेफिनेटली नो कि हाँ स्पोरोजोअन से ही आता है. लेकिन जो जोलॉजी की नहीं है उनको ये पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ में एक क्लास होती है दैट इज स्पोरोजोआ. इस स्पोरोजोआ के अंदर क्या आता है हमारा मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन है. कौन सा है मलेरिया कौन कॉज करता है? मलेरिया कॉज किया जाता है बाय प्लाज्मोडियम. बाय प्लाज्मोडियम ठीक है ओके. तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. तो ये भी सही हो गया. सेकेंड इज अमीबाज हैव फ्लैजिलेटेड फेज इन देयर लाइफ साइकिल. तो ये याद रखना जो अमीबा होता है, देखो तो अमीबा कैसे होता है, ऐसे होता है ना, कोई ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, न्यूक्लियस वो ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया देखो ठीक है. तो ये क्या है, हमें लग रहा है यहाँ पे फ्लैजिला है, नहीं यहाँ पे कोई फ्लैजिला नहीं है, कोई फ्लैजिला नहीं है मूवमेंट के लिए. ये स्यूडोपोडिया बनाता है ऐसे करके फिर आगे मूव करता है ठीक है. तो इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता है. तो रिमेंबर दिस कि अगर अमीबा की बात की जाए और बोला जाए कि फ्लैजिला होता है या नहीं होता है तो तुम्हें याद रखना है कि अमीबा में कोई फ्लैजिला नहीं होता है. सो ये वाला हो गया हमारा गलत, ये हो गया हमारा गलत ठीक है. नेक्स्ट इज सीलेट्स आर सच सीलेट्स सच एज पैरामीशियम डिफर फ्रॉम ऑल द अदर प्रोटोजोअन्स इन हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई. देखो इन क्वेश्चंस को तुम सिर्फ ऑप्शंस के ऑप्शन के फॉर्म में मत लो, इनको बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ये इन्हीं में से क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा ओके. देखो अगर मैं इसकी बात करूं पैरामीशियम की, अगर मैं पैरामीशियम की बात करूं तो जो पैरामीशियम होता है देखो ऐसे होता है ना, जैसे हमारी जो भी बनाए, देखो यहाँ पे ये क्या है सीलिया है, ये सीलिया क्या करते हैं मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं इसकी. इसके पास दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक छोटा वाला न्यूक्लियाई होता है माइक्रो न्यूक्लियाई, एक होता है बड़ा वाला मैक्रो न्यूक्लियाई ठीक है. तो ये याद रखना कि जो हमारा पैरामीशियम होता है, अब तुम्हें याद क्या रखना है कि ये सीलिएट्स होते हैं, ये क्या होते हैं सीलिएट्स होते हैं, और जो हमारे प्लाज्मोडियम थे वो क्या थे स्पोरोजोअन्स थे. तो ये याद रखना है. सो दिस विल बी ऑल्सो करेक्ट. तो अब क्या हुआ, आर तो हमारा गलत हो गया, तो आंसर कौन सा बनेगा पी क्यू एस, आंसर विल बी सी. डन ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ मलेरिया इज अ प्रोटोजोअन इन्फेक्शन बाय द रेड ब्लड सेल्स ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल. याद रखो कौन है, फीमेल है ठीक है. बाय एनोफिलिस मॉस्क्यूटो मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन जीनस ऑफ प्लाज्मोडियम. इंपॉर्टेंट, दे आर इंक्लूडेड इन द स्पोरोजोअन क्लास ऑफ प्रोटोजोआ. चलो ये वाला क्वेश्चन करो, उसके बाद वील डिस्कस अबाउट इट ओके. आदर्श आ गया समझ ओके. अब इसका आंसर देना तुम लोग, ट्राई करना है एटलीस्ट. इसमें तुम्हें मिसमैच देखना है ठीक है, मिसमैच देखना है. अच्छा बायोडाइवर्सिटी नहीं पढ़ी अभी, चलो कोई बात नहीं, अभी ये क्वेश्चन करने का ट्राई करो और मैं थोड़ा बताती जा रही हूँ, उसके बाद याद रखना बस ठीक है, भूलना नहीं है इन क्वेश्चंस को फिर. हाँ चलो ठीक है मैं कराती हूँ. ये है फर्स्ट वाला बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री ये किसमें बोल रहा है, फिश में. तो याद रखो, अच्छा मैं पूरा बताती हूँ. देखो पहला आता है पॉरीफेरेंस ठीक है, पॉरीफेरेंस ये पता है ना तुम लोग को, निडेरियंस, टीनोफोरा मतलब उसमें आता है हमारे माइक्रो उसमें लेकिन बट स्टिल टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, मोलस्क, एनेलिड्स,
ऑर्थोपोड्स, ठीक है, एंड इकाइनोडर्मेटा। अब अगर मैं बात करूं बायलेटरल सिमेट्री की और रेडियल सिमेट्री की, तो याद रखो जो रेडियल सिमेट्री होती है उसका मतलब होता है कि अगर कोई भी ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से काटू, यहाँ से काटू, यहाँ से काटू, कहीं से भी काटू, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बायलेटरल की बात करूँ तो वो सिर्फ एक प्लेन से, मतलब अगर मैं यहाँ से काटूंगी तो तभी एक प्लेन में डिवाइड हो पाएगा, तो उसको बोलते हैं बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल। तो जो ज्यादा बड़ी बड़ी स्टेजेस पर जाता जाएगा वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता जाएगा, और जो छोटी छोटी लेवल पे होगा वो रेडियल सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो देखो पॉरीफेरेंस हमारे रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनमें एसिमेट्रिकल होते हैं, सॉरी ये तो एसिमेट्रिकल होते हैं। निडेरियंस और टीनोफोर्स की बात करें तो ये होते हैं हमारे रेडियल सिमेट्रिकल। तो बस तुम्हें दो चीजें याद रखनी है, रेडियल सिमेट्री में कौन कौन होते हैं, हमारे निडेरियंस आते हैं, टीनोफोर्स आते हैं, और कौन आता है, जो इकाइनोडर्म का जो एडल्ट होता है वो भी रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो एग्जाम में क्या पूछे जाने वाला है, ये तीन एग्जाम्पल पूछे जाने हैं अगर रेडियल सिमेट्री के पूछे जाएंगे तो, टीनोफोर्स, निडेरियंस एंड इकाइनोडर्मेटा इज इन एडल्ट। अगर वो लार्वा होगा तो उसमें रेडियल सिमेट्री होगी। डन। या नेक्स्ट इज फर्स्ट ट्रोफोब्लास्टिक। तो यस, फर्स्ट ट्रोफोब्लास्टिक जो होता है फ्लैट वॉर्म से आता है। फ्लैट वॉर्म मतलब प्लेटीहेलमिंथेस, इसमें आते हैं, और यहीं से हमारा फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है। ओके, अगर तुम्हें ये क्वेश्चंस अगर सच में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं तो एक हम छोटी सी क्लास कर लेंगे इसके ऊपर, तो सारी चीजें तुम्हें क्लियर कर दूंगी एक बार में, ठीक है। पर अभी थोड़ा बहुत समझ लो, अगर क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड आए तो तुम लोग का हो जाए। नेक्स्ट इज फ्री लिविंग फ्लैटवॉर्म्स। फ्री लिविंग मतलब होता है जो कहीं भी फ्री लिव कर सकता है, किसी के ऊपर भी, ठीक है, पैरासाइट की लाइफ में नहीं जी रहा है लेकिन फ्री लिविंग है, वो कौन सा होता है, प्लेनेरिया। अगर नेक्स्ट ऑप्शन को देखूं तो उसमें बोला है रेडियल सिमेट्री इन द लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स, सो दिस इज वेरी वेरी इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो रेडियल सिमेट्री जो होती है वो हमारी किस में होती है, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म में होती है हमारी, बायलेटरल सिमेट्रिकल। और अगर मैं रेडियल सिमेट्री की बात करूं तो ये कब होती है, जब हमारा एडल्ट इकाइनोडर्म होता है। एडल्ट इकाइनोडर्म होगा तो रेडियल सिमेट्री शो करेगा, और अगर हमारा लार्वा होगा तो हमारा क्या शो करेगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल शो करेगा। हाँ, एक बायोडाइवर्सिटी की क्लास ले लूंगी जिसमें ये जो टॉपिक्स हैं एक बार मैं कवर कर दूंगी, उसके बाद फिर से हम क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ओके, अभी ये समझ में आ रहा है तुम्हें। हाँ, टॉपिक्स की क्लास ले लूंगी, ठीक है, डन डन। ओके, देखो बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, कि अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूं, एक प्लेन से डिवाइड करूंगी, तभी ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर मैं कोशिश करूं यहां से डिवाइड करने की तो हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये अलग हो गया बॉडी और ये भी अलग हो गया, तो नहीं होगा। तो बायलेटरल सिमेट्री में अगर मैं सिर्फ एक प्लेन से हम काटेंगे तभी वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ वेरी गुड। रेडियल सिमेट्री की बात करी जाए तो हम किसी भी प्लेन से अगर रेडियल सिमेट्री काटेंगे, मतलब किसी भी प्लेन से काटोगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेडियल सिमेट्रिकल नेचर। नेक्स्ट है हमारा स्फेरिकल सिमेट्री, जो तुम्हें नहीं देखना है क्योंकि तुम्हें सिर्फ ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यही देखना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अब तुम लोग इसको करो, उसके बाद मेरे को आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। एटलीस्ट एक बार ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो ऑब्वियसली मैं बताने वाली हूं तुम्हें, पर एक बार ट्राई करो कि तुमसे हो जाए।
चलो करते हैं डिस्कस. द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश आर्थ्रोपोड्स फ्रॉम एनेलिड्स एंड मोलस्क. ठीक है, तो हमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं जो आर्थ्रोपोड को एनेलिड्स और मोलस्क से अलग करते हों. ठीक है, एनेलिड्स और मोलस्क से अलग करते हों. तो आर्थ्रोपोड्स में क्या क्या होता है तुम्हारा? एब्सेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा. ठीक है, हाँ, उसमें कोई भी ट्रोकोफोर लार्वा नहीं होता है. दिस इज वेरी ट्रू. अगर ट्रोकोफोर लार्वा पूछा जाए तो जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है वो हमारा कहाँ पे होता है? इकाइनोडर्म्स में, या फिर उसके हायर स्टेजेस जो होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, इनमें प्रेजेंट नहीं होता है. हाँ, वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड निशा. ठीक है, और ये भी हमारा काइटिन से बनी हुई होती है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड सब डिविजन ऑफ लेग्स इन टू द मूवेबल सेगमेंट. दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड दे हैव अ डिस्टिंक्ट मैंडिबल्स. मैंडिबल्स किसके लिए होते हैं? मैंडिबल्स किस चीज के लिए होते हैं? हाँ, काटने के लिए होते हैं. तो क्या होता है, देखो ऐसे होते हैं, ऐसे मैंडिबल. ठीक है, तो मैंडिबल्स भी इसके पास होते हैं. देन आंसर विल बी पी क्यू आर एस. वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड शविता. Now, अगर हम आर्थ्रोपोड्स की थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पे, जिससे थोड़ा थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया हो जाएगा क्या होता है. आर्थ्रोपोड्स की जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन मतलब उसके ऊपर वाली जो स्केलेटन है, जैसे ये ऊपर वाला हो गया स्केलेटन, जिसे कभी देखा कॉकरोच की जो स्केलेटन होती है वो भी काइटिन से बनी हुई होती है. देखना बहुत हार्ड होगी, बहुत ज्यादा हार्ड होती है. दे आर हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन. बहुत ज्यादा डेवलप सेंस ऑर्गन होता है इनके अंदर. दे हैव अ जॉइंटेड लिम्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बेसिस पे तुम ना बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. ठीक है, अगर मैच द फॉलोइंग आया हुआ है और तुम्हें कोई भी आर्थ्रोपोड्स दे रखा है और तुम्हें जॉइंटेड लिम्ब एग्जांपल उसमें दे रखा है नेक्स्ट उसमें ऑप्शन में, तो तुम उसी पे जाना और उसके बेसिस पे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, दे हैव अ जॉइंटेड लिम्स. द लिम्स मस्ट बी जॉइंट लाइक जॉइंट्स इन द सूट ऑफ आर्मर सिंस द एक्सोस्केलेटन इज रिजिड एंड कैन नॉट बेंड टू अलाउ मूवमेंट. ठीक है, तो जो एक्सोस्केलेटन होती है बहुत ज्यादा रिजिड होती है एंड कैन नॉट बेंड टू अलाउ मूवमेंट. ओके, नेक्स्ट इज दे हैव अ सेगमेंटेड बॉडी एंड वेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये इतना जरूरी नहीं है, बायलेटरल सिमेट्रिकल तुम्हें पता है. तुम्हें इंपॉर्टेंट क्या है ये याद रखना है एंड ये याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मोलस्क, दे आर ऑल्सो बायलेटरल सिमेट्रिकल. मैंने बता दिया जितना हायर हायर जाओगे बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल ही मिलने वाले हैं. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. प्लेटीहेलमिंथेस के बाद में सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे अगर प्लेटीहेलमिंथेस के बाद की बात करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज दे शो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं. द बॉडी इज डिविजिबल इन टू हेड, विसरल मास एंड वेंट्रल फूड. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में आता है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में आएगा. नाउ बॉडी इज कवर्ड विद मेंटल एंड शेल ऑल्सो. तो ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं अगर मोलस्क के, अगर हमारा डिविजन करने को आए कि मोलस्क कौन सा होगा, तो एक तो ये आएगा बॉडी इज सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन में आएगा बॉडी इज डिविजिबल इन टू थ्री रीजन्स, हेड, विसरल मास एंड वेंट्रल फूड. ये वाला क्वेश्चन में आ सकता है. नेक्स्ट इज बॉडी इज कवर्ड बाय अ मेंटल एंड द शेल. तो ये तीन चार चीजें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर क्वेश्चन में आए मोलस्क वाले में, तो इसके बेसिस पे तुम ढूंढ सकते हो. ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही आता है. ओके, नेक्स्ट इज एनिलीड्स. एनिलीड्स भी हमारे बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे. और जो सीलोम होती है इनमें वो कैसी होती है? ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड, व्हाट हैपेंस टू दिस. एक सेकेंड, I'm so sorry. एक सेकेंड,
शिट ओके एक सेकेंड वेट 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 जस्ट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड जस्ट वेट डाइवर्सिटी सो सॉरी आई डोंट नो प्रेजेंटेशन कहाँ गई आई रियली डोंट नो शिट अच्छा ओके मैं नेक्स्ट क्लास में देखती हूँ अभी प्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है आई डोंट नो वेयर इट हैज गोन आई एम सो सॉरी ठीक है मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करा दूंगी और नहीं हो तो आप ऐसा करना कि जो मेरी आज हाँ मेरी क्लास जो अनअकैडमी पे होने वाली है वो 9 बजे होने वाली है तो जो यहाँ पे क्वेश्चंस रह गए हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और आई होप आई फाइल मिल जाए आई डोंट थिंक फाइल पता नहीं कहाँ गई ओके आई एम सो सॉरी थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू